और क्या नाम है आपका? का नाम है वैकुंठ पात्र, और ये खंडगिरी उदयगिरी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर कटक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, और इस गांव का नाम है माणियावर। ये उड़ीसा का सबसे बड़ा सराग गांव है मणिया बंध, जो खंडगिरी उदयगिरी से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये मणिया बंध के एक लीडर का घर है जो गांव का मेन व्यक्ति है, और ये जो है बौद्ध धर्म को ज़्यादा मानते हैं। अब तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गौतम बुद्ध की जो है ये फोटो यहाँ लगी हुई है, लेकिन है ये सब शाकाहारी लोग, और इनका जो गोत्र है वो आदिनाथ। मालूम नहीं था कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म में क्या भेद है। ये कह रहे थे कि भगवान महावीर ही गौतम बुद्ध हैं, तो ये इनसे भी चर्चा हुई, और फिर मैंने उनको बताया कि भगवान महावीर में और गौतम बुद्ध में क्या डिफरेंस है। ये रहने वाले काजी जाई के हैं, लेकिन जैन धर्म के ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण इनको इसका भेद मालूम था। आपको नहीं थोड़ा मालूम है जब तो थोड़ा तो प्रॉपर देखो, आप सबको हमारी बात समझ में आई? सुबह से हमने क्या खाया है? कुछ खाया है? कुछ भी नहीं खाया, और फिर भी एनर्जी फुल है। क्यों फुल है? क्योंकि जैन दर्शन की महति प्रभावना के लिए कि सच्ची बात सबको पता चले, ये हमारे मन में बसी हुई है। हम सबको सच्ची बात समझ में आए, इसलिए भूख भी उसके आगे पता नहीं कहाँ आलोकाकाश में भाग गई थी। में हम सराग कम्युनिटी के बीच में हैं, और ये सराग भाई हैं, वो सराग का निर्माण कर रहे हैं। आप ये सब देख सकते हैं। एक सप्ताह में साड़ी बन जाती है, और ये सब डिजाइन लगे बराबर है, बहुत बढ़िया। कितनी लंबी, इतना लंबी पूरी एक साड़ी है? नहीं नहीं नहीं, एक नहीं, ये सूर्यकांत दलाई। आज्ञा, आप सराह को? आज्ञा। क्या नाम है आपका? सूर्यकांत दलाई। तो आप सूर्यकांत दलाई? दलाई। तो आप कौन से धर्म को फॉलो करते हो अभी? हमारा बुद्ध मंदिर बौद्ध धर्म। हाँ, अभी आप बौद्ध धर्म को फॉलो करते हो? इससे भी सराह के बच्चे। इस गांव का क्या नाम है? आज्ञा, गांव का नाम माणियावर। ये सराक भाइयों का ही मंदिर है? नहीं, ये उसी। हाँ, सराक भाई का है जी। जो सराक भाई हैं वो बौद्ध धर्म के साथ साथ में जगन्नाथ भगवान को भी मंदिर, तो ये जो मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, ये सराक भाइयों का ही है। हाँ, सराक। बुद्ध मंत्र जो है इस शिखर के ऊपर लिखा हुआ है। नमो तत्सु भगवतो अरहतो सम्मा समुद्धस्य। अरहतो सम्मा समुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो अरहंताणं, यानी मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ। अच्छा, तो जैन धर्म में जो मंत्र है नकार मंत्र, उसमें अरहंत शब्द का उच्चारण। गांव में है जो एक सराग गांव है, माणिया बंदर के अंतर्गत आता है, और अभी हम यहां पर जो है एक सराग भाई के घर पर जा रहे हैं, और यहां पर ज़्यादातर लोग हैं
जो सराग भाई हैं वो बुद्ध धर्म को अपनाते हैं। घर के आगे यहाँ पर बुद्ध गौतम बुद्ध के चित्र अंकित हैं। भाई हैं आपका आपका शुभ नाम क्या है? अनादिचंद। तो ये अनादिचंद भाई के घर पर हम आए हुए हैं और ये माणियाबंद में हमारा पहला विजिट है यहाँ आने का। आपका गोत्र क्या है? आदित्य गोत्र। आदि और आदित्य में फर्क है। तो आप यहाँ पर सब निरामिष हैं या आमिष हैं? सब निरामिष हैं। और कौन से धर्म को स्वीकार करते हैं आप? हाँ, यहाँ पे आप सुन ही सकते हो उनके मुख से कि सभी बुद्धिस्ट धर्म को स्वीकार करते हैं। आप सब सराक हैं। आप सब सराक कम्युनिटी के अंदर आते हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि बंगाल के अंदर कुछ सराक कम्युनिटी भी रहती है। बंगाल के अंदर पुरुलिया, बांकुड़ा, झारखंड में और यहाँ पर भी रहते हैं। यहाँ पे काजीशाही में हो गए, खंडगिरी उदयगिरी के पास हो गए, तो वो लोग तो जैन धर्म को फॉलो करते हैं और आपको बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो। तो मतलब इस तरीके का डिफरेंस कैसे है? मतलब इस तरीके से अंतर कैसे है कि आपका बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं और वो जैन धर्म को फॉलो करते हैं? इसका क्या मीनिंग है? कैसा सोचा जाए? नहीं, वो आमिष नहीं खाते हैं। आप तो मानते हैं कि मतलब वहाँ शाकाहारी भी है, यहाँ पर भी शाकाहारी है। तो जैन धर्म के अंदर तो खाने पीने का बहुत ही रिस्ट्रिक्शन है। जैसे रात्रि में नहीं खाते, आलू नहीं खाते, प्याज लहसुन नहीं खाते और ज़मीन के नीचे जो जैसे गाजर मूली ये सब है, ये सब नहीं खाया जाता। उसमें तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। यानी छोटे से जीव की हत्या भी ना हो, ऐसा जो है जैन धर्म के अंदर सिद्धांत है। विश्व के जितने भी दर्शन हैं, सर दर्शन पढ़े जैन, चार्वाक, बौद्ध, नैयायिक, वैशेषिक, वेदांत, ये पूरे पढ़े हैं। तो पूरे विश्व के जो बाहर के अरस्तु, प्लेटो है, जो बहुत बड़े चिंतक हो चुके हैं, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात ने तो ये कहा है कि यदि मैं इस पृथ्वी पर पुनर्जन्म है तो मैं जैन कुल में ही पैदा होना चाहूंगा। ये तो उस सुकरात के वर्ष है। प्रश्न ये नहीं है कि, लेकिन प्रश्न ये चल रहा है कि एक ही पिता की चार संतान है, वो डिफरेंट विचारधारा वाला कैसे हो गई? तो इसका सबसे अच्छा जवाब आप ही दे सकेंगे कि आप एक बेटा पूर्व दिशा में चला गया, तो पूर्व दिशा में जो भी धर्म धार्मिक भौगोलिक धार्मिक का भौगोलिक वातावरण था वो उसमें रच पच गया। मैं भी ये बंगाल में चले गए तो ये पुरी के आसपास चले गए तो इन लोगों ने पूरे वहाँ का जो एटमोसफेयर था उसी को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे जो बांकुड़ा जिला है बंगाल में, उन लोगों ने बिल्कुल वो जो कौन सी माता जी है, दुर्गावती माता जी, दुर्गा देवी को अपना एक आइडल मान लिया। कुछ सराग ऐसे रहे हैं कि जो बिल्कुल जैनोलॉजी को माने, और पिता एक है। इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो चारों में कौन सही दिशा में जा रहा है? तो उसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि पिता किस वंश का था, पिता किस विचारधारा को फॉलो करता था। याद रखो, हमें पिता को अनुसरण करना है। पिता किस वंश का था तो हम सब पिता पर पहुंच जाए तो चारों बेटे एक हो जाएंगे। और हमारे पिता तो बहुत बुद्धिमान थे, हमारे पूर्वज बड़े इंटेलिजेंट थे। चारों बेटे समान होने चाहिए। नहीं है ना, तो ये गलती है, होने चाहिए। तो पिता को, पिता की तरफ उंगली उठा दो, पिता तो पिता को देख लो कि पिता किस वंश का था, तो पता लग जाए। पिता जैसी होनी चाहिए। आजकल के बेटे बड़े चंचल उछंगल प्रकृति के हैं, पिता की बात नहीं मानते हैं। वो आप भी देख रहे होंगे, आपके भी बेटे हैं, उनको हजार बार बोलो कि मोबाइल मत देख तो भी मोबाइल तो कहाँ मान रहा है पिता की बात? नहीं, नहीं। तो हमने भी नहीं मानी, इसलिए हम भी आज चार चार दिशा में अलग अलग धर्म के फॉलोअर्स बन गए। ऐतिहासिक बसवास कर 500 वर्ष पूर्व सब बसवास कर यहाँ पे 500 साल को यहाँ पे रहा है। प्राय 5000 लोग यहाँ पे 500 लोग यहाँ पे रहा है। अनेक लोक अच्छा केवल बुणाकार उपरे सब आधारित सब तंत्र बुणा के बांध कम कर सब एम हाँ हमारे बहुत लोग यहाँ रहते हैं जो कि बुनकर काम करते हैं। अच्छा, प्राय 8-10 साई ये आम मणियाम ग्राम रही ग्राम में 5-10 के गांव यहाँ पर है। बुद्ध देव को समस्त मानती,
होवे तो फॉलो द बुद्धिस्ट रूल बौद्ध दर्शन को मानते हैं आउ एमानकर जीविका हला तार सारी काम तार बांध काम आ एमाने जीव हत्या करंती नाही वे बुनकर काम करते हुए कि बांध रो डिजाइन सूती धागे की डिजाइन बनाते हैं कलर और ये अहिंसा को मानते हैं जीव हत्या नहीं करते हर गांव में बुद्ध मंदिर है लेकिन बहुत बुद्ध मंदिर है लेकिन यहाँ पे 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे बड़ा बुद्ध मंदिर है उसको उनका बुद्ध विहार क्या करते हैं कम्युनिटी का ही बुद्ध विहार हाँ हमारे साथ बेचारे पदम जी हैं जिन्होंने अभी तक जो है सुबह से कुछ खाया नहीं है आपको कैसा फील हो रहा है और आप माणियाबंद गांव में आए हैं बिना कुछ खाए पिए हमारे को बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सोबिन जो है ना हमारे जो पूरे सराग के एक नई चेतना देने वाले हैं इतना जोश दे रहे हैं कि लगता है कि इनको जाने कितने दिन की ताकत आ गई है और आज तो ऐसी जगह पे लेके आए हैं जो नाम तो कभी सुना नहीं था और एक हमारे बिछड़ी भाई जो जैन से भी अजैन हो गए थे वहाँ मिला पर उनका जो विचार है और उनसे लगता है कि वह ये तो जैन ही थे क्योंकि उनकी पद्धति पूरी अहिंसामय है अब उन्होंने खुद ही बोला एक मतलब सड़क भाई ने कि परम अहिंसा अहिंसा परमो धर्म तो लगता तो यही है कि वह पहले से ही तो जैन अब वह दूर हो गए तो वापस हमारे रोबिन भाई की कोशिश है तो उसी रास्ते पे आ जाए और सब एक होकर जैन का झंडा ऊंचा करें और हमारे जो महावीर कल्याण ट्रस्ट ने पूरे विश्वास रोबिन जैन के ऊपर दिखाए हैं उस पर वह खड़े उतरें और सभी की जागृति करते हैं जय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको उनके घर पे हम यहाँ आए हुए मणियाबंद में क्या नाम आपका विकास विकास दास जी के घर पर है रोटी ये रायता उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज माणियाबंद वाले और ये पट्टी का नाम सुनिया पट्टी के हमारे जो भाई हैं कितने सालों में मिले होंगे पता नहीं है पर मिलकर ऐसी खुशी हुई है जाना कि हम कितने सालों से साथ हैं और दूसरा बहुत 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 धन्यवाद देते हैं ये हमारे जो एक हमारे उत्तर प्रदेश से बंगाल में रहकर सराग के लिए पूरा काम करते हमारे योगिन भाई हैं ये हमारे उड़ीसा के अंदर मणियाबंद और सुशीपट्टनम सुनियापट्टनम के हमारे भाई हैं हम हैं राजस्थान से कैसा संगम है बंगाल है उड़ीसा है राजस्थान है उत्तर प्रदेश है हम लगता है हम तो एक ही हैं लगता है आपको कम पहले भी से एक ही हैं एक ही नए थोड़ी आए हैं आज और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो जल्दी से करो सब्सक्राइब